दोस्तों जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर आपको मालूम पड़े कि आपकी जिंदगी में केवल गिनती के 10 साल बचे हैं। यकीनन आपकी हंसती खेलती जिंदगी में ये किसी सुनामी की तरह होगा। और आज की हमारी ये कहानी भी जिंदगी और मौत के इसी गुफ्तगु के बीच हसीन लम्हों को जीना सिखाती है, जिसे देखने के बाद आपको भी खुल के जीने का मन करेगा। कहानी का नाम है द लास्ट 10 ईयर्स। डायरेक्टर है मिचिस्टो फुजी और IMDB रेटिंग है 6.8। दोस्तों कहानी की शुरुआत हॉस्पिटल के सीन से होती है, जहां पर दो महिलाएं एक वीडियो देख रही थी। ये वीडियो एक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम का था, जिसका एग्जाम नामिकावा का बेटा दे रहा था। नामिकावा के साथ दूसरी लड़की मत्सूरी होती है। दोनों अस्पताल के एक ही वार्ड में एडमिट थे, इसलिए उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी। एक तरफ जहां नामिकावा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, वो उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखना चाहती थी, अपने नाती पोतों को हाथों में खिलाना चाहती थी, परंतु अफसोसन उसके पास इतना समय नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ मत्सूरी को भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिसीज थी और मुश्किल से अब उसके पास सिर्फ 10 साल ही बचे थे। और मत्सूरी अपने उस 10 साल को लाजवाब तरीके से जीना चाहती थी। नामिकावा उम्र में मत्सूरी से काफी बड़ी थी और उसने अपने पति और बच्चे के साथ कुछ हद तक जिंदगी जी ली थी, इसलिए अब उसे दुनिया को अलविदा कहने का कोई गम नहीं था। ऐसे में खुद की मौत को करीब से देखते हुए नामिकावा मत्सूरी को एक कैमरा देती है, ताकि वो अपनी जिंदगी के सभी सुनहरे पलों को कैमरे में कैद कर सके। हालांकि मत्सूरी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था। वो तो सिर्फ कॉलेज जाकर मौज मस्ती करना चाहती थी, मगर उसकी इस बीमारी ने उसकी सभी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया था। इसलिए अब मत्सूरी के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी था तो वो थी उसकी फैमिली, जिनके साथ वो अपने आखिरी पलों को गुजारना चाहती थी। अगली सुबह नामिकावा की मौत हो जाती है, जिसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि मत्सूरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो अपने घर जा रही थी। मत्सूरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। उसने पिछले 2 सालों से हॉस्पिटल की दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। घर पर कुछ भी नहीं बदला था, ना तो उसका घर, ना ही उसका बेडरूम, और ना ही उसके बेडरूम में पड़ी वो सारी चीजें। सब वैसे के वैसे ही पड़ी थी जैसे वह छोड़कर गई थी। उसे कमरे में अपनी पुरानी डायरी मिलती है, जहां पर उसने अपने कॉलेज के कुछ दिनों की यादगार तस्वीरों के अलावा अपनी बीमारी के बारे में भी रिसर्च किया था। अब बीमारी के बारे में उसने डायरी में लिखा था कि ये बीमारी 10 लाख लोगों में सिर्फ 1 या 2 को होती है, और ये एक लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई भी इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। अफसोस की बात तो ये थी कि मत्सूरी ने अपनी जिंदगी के 10 सालों में से 2 साल तो अस्पताल में ही निकाल दिए थे, और मत्सूरी अब अपना और समय बोरियत भरा नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्तों से मिलने जाती है। साथ ही साथ वो ये भी फैसला करती है कि वो अपने ये दुख दर्द किसी से भी बयां नहीं करेगी, ना तो अपनी फैमिली से और ना ही अपने दोस्तों से। शाम को मत्सूरी अपने दोस्तों से मिलने जाती है। वो काफी अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी उनके बीच करियर, शादी और लव लाइफ की बातें शुरू होने लगी, जो मत्सूरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो सभी कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके थे। लेकिन मत्सूरी अपनी बीमारी की वजह से सबसे कई गुना पीछे जा चुकी थी। अब आप इसे जलन कहें या फिर अफसोस, मत्सूरी वाकई ये सब सोचकर थोड़ा परेशान जरूर थी। तभी उसके दोस्तों ने उसे एक बॉयफ्रेंड बनाने का आइडिया दिया, मगर भोली भाली मत्सूरी अपने चंद दिनों की इस दौड़ में किसी लड़के को अकेला छोड़कर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मत्सूरी को समझते देर नहीं लगती कि उसके दोस्त उसे आज तक समझ नहीं पाए, और वो खुद को काफी अकेला महसूस करने लगी। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों, जिस तरह हम और आप हजारों लोगों के बीच में घिरे होने की वजह से अपने आप को हमेशा अकेला ही पाते हैं, वैसा ही कुछ हाल था मत्सूरी का। डिनर के बाद रास्ते में मत्सूरी की दोस्त नाव उसे अपनी न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करने को कहती है, ताकि वो अपनी लाइफ में बिजी भी रहे और फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स को सिक्योर कर सके। घर पर आकर मत्सूरी को अपने स्कूल में होने वाली रीयूनियन का खत मिलता है, जहां उसके पुराने सभी जिगरी यार आने वाले थे। ये लेटर देखकर मत्सूरी की बहन उसे वहां जाने को कहती है, और मजाक मजाक में बोलती है कि क्या पता तुम्हें वहां अपने सपनों का राजकुमार मिल जाए। मगर मत्सूरी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि जो उससे प्यार करे उसे कहीं उसकी बीमारी के बारे में ना पता चल जाए। हालांकि इन सब के बावजूद भी मत्सूरी रीयूनियन में जाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिलती है तो थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि 2 साल के बेड रेस्ट के बाद वो अपनी फैमिली के अलावा दूसरी बार किसी से मिलने जा रही है, और एक साथ इतने लोगों को देखकर उसका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है।
अब चूंकि मत्सूरी अपने स्कूल के दिनों में काफी पॉपुलर थी, इसलिए उसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है और सभी उसका वेलकम करते हैं। और यही उसकी मुलाकात काजुतो मनावे से होती है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था और हर कोई उसे रहस्यमय इंसान कहता था। मगर हकीकत में काजुतो बहुत ही शर्मीला और शांत स्वभाव का लड़का था। सभी पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं और अपने द्वारा स्कूल में लिखे गए फ्यूचर लेटर को पढ़ते हैं। मत्सूरी ने अपने लेटर में लिखा था कि वो भविष्य में कॉलेज जाएगी और अपने प्यार को पाएगी और साथ ही साथ एक फेमस नॉवेलिस्ट भी बनेगी। परंतु अफसोसन उसके ये सभी सपने धरे के धरे रह गए और वो अपने हालात पर अफसोस करने लगी। वहीं काजुतो भी अपने बचपन के विश लेटर को पढ़कर काफी मायूस था और ज्यादा विस्की पीने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सब रेस्टोरेंट के बाहर जाने के लिए निकलते हैं। तभी काजुतो की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। मत्सूरी उसे संभालती है और दोनों एक दूसरे से जुड़ी बातें करने लगते हैं। काजुतो के हालात मत्सूरी से ज्यादा अलग नहीं थे, क्योंकि दोनों ही जिंदगी को जीने से डरते थे। इसके बाद मत्सूरी नौकरी करने का सोचती है, क्योंकि उसके सारे दोस्त नौकरी कर रहे थे। मगर उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ना तो उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस था और ना ही कॉलेज की डिग्री। वेल, उधर काजुतो भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहा था और आखिर में खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। ये खबर मत्सूरी को अपने एक दूसरे दोस्त टकेरू के जरिए मिलती है और वो काजुतो को देखने हॉस्पिटल पहुँचती है। दोनों काजुतो से उसके आत्महत्या करने का कारण पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना तो उसका परिवार और ना ही कोई रिश्तेदार। उसकी नौकरी भी पिछले हफ्ते जा चुकी है और अब वो जिंदगी में बिल्कुल अकेला है। ये सुनकर मत्सूरी को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि जिंदगी कितनी अनमोल चीज है ये आखिर उससे बेहतर कौन समझ सकता था। बेचारी मत्सूरी अपनी नम आंखों के साथ हॉस्पिटल से चुपचाप निकल जाती है। कुछ दिनों बाद मत्सूरी अपनी माँ के साथ रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर काजुतो भी उसे देख लेता है, लेकिन वो मत्सूरी के हालात से बिल्कुल ही अनजान था। उसे लगा मत्सूरी अपनी मॉम को दिखाने हॉस्पिटल लेकर आई है। काजुतो शाम को मत्सूरी और टकेरू को डिनर पर बुलाता है, जहाँ पर वो सभी मिलते हैं। टकेरू के जाने के बाद काजुतो मत्सूरी से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो जिंदगी से हार नहीं मानेगा, बल्कि और ज्यादा मेहनत करके सफल इंसान बनेगा। इसके बाद वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और शाम को ट्रेन स्टेशन भी जाते हैं, जहां पर मत्सूरी नामिकावा का दिया हुआ वो वीडियो कैमरा निकालकर उस सुनहरे पल को रिकॉर्ड करने लगती है। तभी वहां एक हवा का झोंका आता है, जो इस खुशनुमा माहौल को और भी सुहाना बना देता है। मत्सूरी पूरी रात इस वीडियो को देखती रहती है और काजुतो की याद में खो जाती है। दोस्तों, शायद काजुतो ही मत्सूरी की खाली पड़ी जिंदगी में वो अकेला शख्स था जिसकी उसे तलाश थी। सुबह मत्सूरी नाव के ऑफिस जाती है, जहां पर उसे वो एक वेब राइटर के तौर पर ज्वाइन कर लेती है। लेखक का ये काम मत्सूरी के लिए बिल्कुल फिट था, जिसे वो अपने घर पर बैठकर भी आराम से कर सकती थी। दूसरी तरफ काजुतो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसने एक बार में काम ढूंढ लिया था और साथ ही साथ अपने गंदे पड़े अपार्टमेंट को साफ करके वहां पर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना लिया था। वो दोनों एक अच्छी जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। वीकेंड पर बाकी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं और इसी दौरान मत्सूरी का नजरिया काजुतो को लेकर धीरे धीरे बदलने लगा था। काजुतो के साथ बिताए उसके हर एक पल बेहद ही खास होते जा रहे थे और वो काजुतो के दिन ब दिन और करीब आती जा रही थी। यहाँ तक कि काजुतो का साथ पाकर मत्सूरी अपना दुख दर्द और बीमारी भी भूल चुकी थी और यहाँ तक कि उसके दिमाग से मौत का खौफ भी जा चुका था। दिन ऐसे बीत रहे थे कि मत्सूरी खुद को भुलाकर अपनी जिंदगी में मगन थी, मगर जब वो दवाइयाँ खाती तो उसे याद आ जाता कि उसके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे थे और ये सोचकर वो दोबारा डिप्रेशन में चली जाती थी। मौत के साथ ये लुका छिपी का खेल मत्सूरी को टेंशन में डाले जा रहा था, जिसे लेकर वो बहुत परेशान हो जाती और ऐसा होना लाजमी था। दोस्तों, आखिर मौत शब्द ही इतना खौफनाक है। एक दिन मत्सूरी और उसके सभी दोस्त फायर फेस्टिवल में जाते हैं। यहाँ काजुतो भी उसके साथ होता है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से दोनों साथ ही चल रहे थे। तभी काजुतो मत्सूरी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, मगर मत्सूरी उससे दूरी बना लेती है। ऐसा नहीं था कि मत्सूरी काजुतो से प्यार नहीं करती थी या फिर उसके करीब नहीं आना चाहती थी। वो तो काजुतो से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे एक ना एक दिन काजुतो से दूर चले जाना है, इसलिए उसे वो हर्ट नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि मत्सूरी की बहन की आज शादी है। उसकी बहन बेहद खुश थी, मगर कहीं ना कहीं मत्सूरी दुखी थी और इसका कारण उसकी जानलेवा बीमारी थी। लेकिन फिर भी वो अपना दर्द छुपाकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ पार्टी में आए लोगों का वेलकम करती है। अगले दिन मत्सूरी काजुतो के घर पर उससे मिलती है, जहाँ पर उनके बाकी दोस्त भी होते हैं।
काजू तो बताता है कि वो अपने काम में काफी माहिर हो चुका है और 2-3 साल में खुद का रेस्टोरेंट भी खोलेगा। सभी ये सुनकर काफी खुश होते हैं, मगर मसूरी को लगता है कि ना जाने वो तब तक इस दिन को देखने के लिए जिंदा रहेगी भी या नहीं। डिनर के बाद काजू तो प्यार भरे अंदाज में मसूरी के दोबारा करीब आने की कोशिश करता है और उसे गले से लगा लेता है। यहाँ काजू तो अपने प्यार का भी इजहार करता है, मगर एक बार फिर से मसूरी उससे दूरी बना लेती है। बेचारा काजू तो उसे ऐसा लग रहा था कि मसूरी ये सब जानबूझकर कर रही है और उसे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या थी ये वो सोच भी नहीं सकता था। इधर मसूरी की बीमारी दिन पर दिन और भी खतरनाक होती जा रही थी, या फिर यूं कहें कि वो मौत के और करीब आ रही थी। डॉक्टर भी केवल मसूरी को दवाइयों के भरोसे बैठाकर उसे नई नई दिलासा दे रहे थे, मगर हकीकत क्या थी ये वो भी अच्छे से जानती थी। सुबह होती है और काजू तो मसूरी से माफी मांगने के लिए उसके पास पहुंचता है। वो मसूरी से कहता है कि रात में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, जिस पर मसूरी उसे बताती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। जब तुम्हें मेरी असलियत के बारे में पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। ये बोलते बोलते मसूरी की हालत बिगड़ जाती है और सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर मसूरी के पिता काजुतो को समझाते हैं कि उनकी बेटी जो कुछ कहे बस उसकी बात माने। काजुतो मसूरी से मिलने वार्ड के अंदर जाता है, जहाँ पर मसूरी काजुतो को अपनी सच्चाई से वाकिफ कराते हुए बताती है कि उसे ये जानलेवा बीमारी 20 साल की उम्र से है और वो जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। इसमें मसूरी की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस चाहती थी कि उसके जाने के बाद काजुतो खुद को अकेला महसूस ना करे और ना ही दोबारा आत्महत्या करने की कोशिश करे। दरअसल दोस्तों, मसूरी दिल की बेहद ही साफ लड़की थी और वो किसी भी कीमत पर काजुतो के दर्द को नहीं देख सकती थी, इसलिए वो काजुतो को समझाती है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है, जिसके बाद वो उसे दोबारा कभी ना मिले। और उसके जाते ही मसूरी बहुत रोने लगती है। अब मसूरी की जिंदगी फिर से दोबारा जैसी की तैसी हो गई, वो फिर से इस डिप्रेशन में जीने लगी थी, खास तौर पर काजुतो के जाने के बाद। मसूरी के पिता चाहते थे कि उसे दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जाए, जहां पर उसका लंग ट्रांसफर हो सके और शायद उसकी जिंदगी में कुछ दिन और जुड़ सके, मगर मसूरी इसके लिए साफ मना कर देती है। वो अपनी जिंदगी से कोई और आस नहीं रखना चाहती थी। इसको लेकर मसूरी और उसके पिता में विवाद भी हो जाता है, लेकिन वो अब अपनी लाइफ में दवाइयों के नाम की दूसरी कोई और उम्मीद की किरण नहीं देखना चाहती थी। अस्पताल, घर और दोस्तों के बीच खींचातानी भरे जीवन से कहीं ना कहीं मसूरी थक चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मसूरी के यूं अचानक चले जाने की वजह से काजुतो की लाइफ भी सुनसान हो चुकी थी और वो चाहकर भी उसको भुला नहीं पा रहा था। काजुतो का मालिक उसे मूव ऑन करने के लिए कहता है, मगर काजुतो के दिल में सिर्फ मसूरी ही बसी थी, उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी उसके लिए नामुमकिन था। तभी काजुतो का मालिक अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बयां करता है। काजुतो को समझाता है कि हमें लाइफ एक ही बार मिलती है, इसलिए तुम किसे इस सफर में अपना बनाते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और अगर तुम्हें वो हमसफर मिल जाए तो समझो तुम बहुत ही लकी हो। ये बात काजुतो के दिल में ऐसी लगती है कि वो अपना काम धाम छोड़कर तुरंत मसूरी से मिलने के लिए भागता है और आखिरकार उसकी मुलाकात स्टेशन के पास ही मसूरी से हो जाती है। मसूरी भी काजुतो को देखकर काफी खुश होती है। काजुतो उसे बताता है कि आज से कुछ दिन पहले मैं अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गया था कि खुद को खत्म करने जा रहा था, लेकिन तुम्हारे आने से मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं एक अच्छा इंसान बन गया, काम धाम करने लगा और लाइफ को एंजॉय करने लगा। वेल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं आज से अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम करता हूँ। काजुतो के दिल की बात सुनने के बाद मसूरी के अंदर उसको एक बार फिर से मना करने की हिम्मत नहीं थी और वो उसे कसकर गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताने लगते हैं। काजुतो का साथ पाने के बाद मसूरी के अंदर दोबारा जीने की इच्छा जाग जाती है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए राजी हो जाती है। साथ ही साथ जिस नॉवेल को उसने लिखना बंद कर दिया था अब वो भी लिखना शुरू कर देती है। मसूरी अब 27 साल की हो चुकी थी, उसकी सारी खुशियां वापस आ चुकी थी, मगर इन खुशियों के पीछे मौत भी उसका दरवाजा खटखटा रही थी। मसूरी उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और इसी कमजोरी के चलते वो एक दिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मसूरी की कमजोरी उसे अंदर से खोखला बना रही थी और बाहर से काजुतो उसकी लाइफ में मौजूद हर एक पल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करने में लगा रहता था। अपनी मौत से ज्यादा मसूरी को काजुतो की फिक्र होने लगी थी कि उसके जाने के बाद उसका क्या होगा।
वो बेचारा तो टूट ही जाएगा। उधर काजू तो सब कुछ सही करने की कोशिश करने में लगा था, वो किसी चमत्कार के इंतजार में था। उसे लगता था कि मसूरी अभी भी ठीक हो सकती है। जिस तरह हम सभी किसी अपने के बीमार होने पर एक उम्मीद की किरण के साथ उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ठीक वही काजू तो भी मसूरी के लिए करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों की दिन रात मेहनत के बाद मसूरी अपनी नॉवेल को खत्म कर चुकी थी और वो उसे पब्लिश कराने के लिए देती है। साथ ही साथ वो अपने डॉक्टर को भी कहती है कि वो चाहे तो उसके शरीर का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा इंसान इस बीमारी से ना मरे। मसूरी के लिए भले ही सब कुछ खत्म हो रहा था, उसकी जिंदगी की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी, मगर काजुतो का उसके साथ होना उसे अलग ही तरह की एनर्जी देता है। काजुतो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता था जब वो उसे अपने प्यार का एहसास ना दिला सके। काजुतो के लिए खुद का जीवन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता था जितना उसके लिए मसूरी का होना था। वो तो बस एक ही बात को रटा करता था कि जब तक मसूरी है वो उसके साथ 24 घंटों तक रहना चाहता है। दोनों स्नोबोर्डिंग के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काजुतो के हाथ से एक चीज गिर जाती है और ये कुछ और नहीं बल्कि रिंग थी। दरअसल काजुतो मसूरी को शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर वो इसे मजाक में टाल देती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं। मसूरी अभी भी जागी हुई थी और काजुतो के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो वास्तव में काजुतो के साथ शादी करना चाहती थी। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सभी को बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आखिर में नुकसान काजुतो का ही था। जिंदगी उसकी ही खराब होनी थी, इसलिए सुबह होते ही वो बिना काजुतो को बताए चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करती है। लेकिन काजुतो उसे ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि वो बिना बताए कहाँ जा रही है। मसूरी काजुतो को सच्चाई से वाकिफ कराते हुए बताती है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण कभी भी उसकी मौत हो सकती है। ये सुनते ही काजुतो की आंखें भर आती हैं और उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मसूरी उसे गले लगाते हुए दिलासा देती है कि अगर वो ऐसे ही उसके साथ रहा तो उसके लिए यूं दुनिया को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनका अलग होना ही सही है। वो काजुतो को शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके साथ इतने अच्छे पल बिताए और साथ ही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का कहकर बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मसूरी अपनी मॉम के कंधे पर सर रख कर फूट फूट कर रोती है, उन्हें अपने दिल की सारी इच्छा बताती है। दरअसल दोस्तों, वो और अधिक जीना चाहती थी, उसे शादी करनी थी और तो और वो माँ बनने का भी सुख चाहती थी। मगर मसूरी की किस्मत में ये सब कहाँ था। उसके पापा भी अपनी बेटी की दर्द भरी बातों को सुनकर खुद के आंसू नहीं रोक पाते। मसूरी अपने अंतिम समय में सबसे दूर रहना चाहती थी ताकि इस दुनिया को अलविदा कहते वक्त उसे किसी की फिक्र ना हो और खुशी खुशी संसार को छोड़ सके। एक साल बाद हम देखते हैं कि मसूरी अस्पताल में एडमिट थी और अपनी लिखी नॉवेल को एडिट कर रही थी ताकि उसे जल्द से जल्द पब्लिश करा सके। वहीं दूसरी तरफ काजुतो अपना रेस्टोरेंट खोलने वाला था और मसूरी को भुलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर ये उसके लिए कहीं से भी आसान नहीं था, क्योंकि वो जो होटल खोलने वाला था उसका नाम भी मसूरी पर ही रखने का सोच रहा था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि काजुतो मसूरी से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन वो डरता था कि अब इतने दिनों बाद वो उससे मिलकर क्या कहेगा। काजुतो पूरे तरीके से बदल चुका था, वो एक समझदार आदमी बन चुका था और शायद इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ मसूरी का ही था। इधर मसूरी अपने नॉवेल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, तभी उसकी बहन अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी उसे देती है। मसूरी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वो दुनिया से जाने से पहले अपनी बहन के बच्चे को देख सके। वाकई दोस्तों, कोई अपनी जिंदगी को चाहे कितनी भी क्यों ना जीले, लेकिन उसकी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। आज काजुतो के होटल की ओपनिंग का दिन था। उधर नियो उसे मसूरी की नॉवेल की कॉपी पढ़ने को देती है। उधर अस्पताल में उदास बैठी मसूरी अपनी सारी वीडियोस को देखकर उन्हें एक एक करके डिलीट कर रही थी और आखिर में जो वीडियो वो डिलीट नहीं कर पा रही थी वो था उसका और काजुतो का वो साथ वाला पहला दिन। इस आखिरी वीडियो को देखते देखते मसूरी रोने लगती है और काजुतो के साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन करने लगती है। वेल, ये सोचते सोचते अचानक मसूरी के दिल की धड़कन कम होने लगती है। वहीं काजुतो जब मसूरी की नॉवेल को खोलता है तो उसका नाम पढ़कर वो हैरान रह जाता है और इससे भी ज्यादा हैरत उसे किताब को पढ़कर हुई। किताब का नाम था द लास्ट 10 ईयर्स और उसमें मसूरी ने काजुतो को अपना सबसे प्यारा संदेश देते हुए लिखा था कि प्यारे काजुतो, मेरी जिंदगी छोटी जरूर थी लेकिन मैं उसे अच्छे से जी चुकी हूँ।
जब से मैं तुमसे मिली तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुम ही को चाहती हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरी किस्मत में नहीं है। मैं आज भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तो तुम प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। बस इतना पढ़ते ही काजुतो मत्सुरी से मिलने हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। काजुतो मत्सुरी को बताता है कि आज वो उसी की वजह से एक सफल इंसान बन पाया और उसने अपना खुद का एक होटल भी उसके नाम पर खोला है। ये सुनकर मत्सुरी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दुनिया को अलविदा कह देती है। थोड़े दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि मत्सुरी की नॉवेल पब्लिश हो चुकी है। वो नॉवेल पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। काजुतो जब उस नॉवेल को अपने हाथ में पकड़ता है, तभी एक हवा का प्यारा सा झोंका आता है और उसे ऐसा एहसास होता है मानो मत्सुरी कहीं गई नहीं है बल्कि उसके साथ है। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मगर दोस्तों, सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। साथ ही साथ आंखों को नम कर देने वाली ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, इंसान को हमेशा उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जैसा आराम और स्वस्थ जीवन हम जी रहे हैं वो हर किसी को नसीब नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।